हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज हम देखेंगे बेसिक, जो हमारी बारक श्रेणी होती है ना, क का की ओके। तो हिंदी में जैसे कि बेसिक हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क से के ए, ख से के एच ए, तो वैसे ही आज हम देखेंगे क से आ की मात्रा का, ओके। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बॉक्स बनाया, तो आपको क्या करना है, आपको भी एक नोटबुक लेनी है, उसमें से इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है या फिर आप लाइन बना लो, और जैसे जैसे मैं लिखती हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है मेरे साथ, और साथ में बोलना भी है, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं लिखूँगी क की आ मात्रा, आ की मात्रा का, और उसे का को क्या कहते हैं, के ए। ख से आ की मात्रा खा, ख से आ की मात्रा खा, पहले से देखते हैं क से आ की मात्रा का, ख से आ की मात्रा खा, और का से क्या होता है के ए, और खा से के एच ए, फिर ग से आ की मात्रा गा, और गा से होता है जी ए, फिर घा, घ से आ की मात्रा घा, और घा का होता है जी एच ए, च से आ की मात्रा चा, और चा से सी एच ए, फिर है छ से आ की मात्रा छा, और छा का होता है सी डबल एच ए, फिर है झ से आ की मात्रा झा, और झा का होता है जे ए, फिर है जा की आ की मात्रा, ज की आ की मात्रा जा, और जा का होता है जेड ए, ट की आ की मात्रा टा, और टा का क्या होता है टी ए, ठ की आ की मात्रा ठा, ठा का टी एच ए, ड से आ की मात्रा डा, ड से आ की मात्रा डा, और डा का क्या होता है डी ए, फिर है ढ, ढ से आ की मात्रा ढा, और ढा का डी एच ए, फिर है ण, ण से आ की मात्रा णा, णा का क्या होता है एन ए, फिर है त से आ की मात्रा ता, ता से टी ए, थ से आ की मात्रा था, और था का टी एच ए, द से आ की मात्रा दा, द से डी ए, ध से आ की मात्रा धा, और ध का क्या होता है डी एच ए, फिर है न, न से आ की मात्रा ना, और ना का एन ए, फिर है प, प से आ की मात्रा पा, और पा से पी ए, फिर है फ, फ से आ की मात्रा फा, फा का क्या होता है एफ ए, एफ ए, फिर है ब, ब से आ की मात्रा बा, और बा का क्या होता है बी ए, ब से आ की मात्रा बा, और बी ए।
फिर है भ, भ से आपकी मात्रा भा और भा से बी एच ए भा। फिर है म, म से आपकी मात्रा मा और म को क्या कहते हैं एम ए। फिर य से आपकी मात्रा या और या से क्या आता है वाई ए। फिर है रा, रा से आकी मात्रा रा और रा से आर ए। ल से आकी मात्रा ला, ला से एल ए। व से आकी मात्रा वा और वा से वी ए। फिर है शा, स से आ की मात्रा शा और सा का एस एच ए। फिर है क्ष, क्ष की आ की मात्रा क्षा और श का क्या होता है एस एच ए, उसका भी एस एच ही होता है। फिर है स, तो स से आ की मात्रा सा और उसका होता है एस ए। फिर है हा, ह से आ की मात्रा हा और ह का एच ए। श्र से, श्र से आ की मात्रा क्षरा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्र से आ की मात्रा क्षरा और श्रा का क्या आएगा के एस एच ए क्षरा। फिर है घ्न, घ्न से आ की मात्रा घ्ना और घ्ना का क्या होगा जी एन ए घ्ना। फिर है त्र, त्र से आ की मात्रा त्रा और त्रा से टी आर ए। फिर लास्ट है श्र, श्र से क्षरा आ की मात्रा क्षरा और क्षर का क्या होगा एस एच आर ए श्रा। ओके, तो का से लेके श्रा तक हमने देख लिया। का से के ए, खा से के एच ए, गा से जी ए, घा से जी एच ए, चा से सी एच ए, छा से सी डबल एच ए, झा से जे ए, झा से जेड ए, टा से टी ए, ठा से टी एच ए, डा से डी ए, ढा से डी एच ए। फिर है ना, ना से एन ए, ता से टी ए, था से टी एच ए, दा से डी ए, धा से डी एच ए, ना से एन ए, पा से पी ए, फा से एफ ए, बा से बी ए, भा से बी एच ए, मा से एम ए, या से वाई ए। फिर है रा से आर ए, ला से एल ए, वा से वी ए, शा से एस एच ए, क्षा से एस एच ए और सा से एस ए, हा से एच ए, क्षरा से के एस एच ए। फिर है घ्ना, जी एन ए, त्रा से टी आर ए और लास्ट है श्रा, तो उसका होता है एस एच आर ए। तो यहाँ पे हमने ये का से लेके श्रा तक की जो आ की मात्रा है, इसको कौन सी मात्रा कहते हैं आ, जो हमारे हिंदी में ये आ की मात्रा हमने देखी है ना, हमारी जो टेक्स्ट बुक में होती है आ, तो आप वो देखोगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में आ है आ से आम, तो उसमें जब लास्ट में आप देखोगे तो एक एक्सरसाइज है जहाँ पे हमें दिया है का खा गा गा, तो ये कौन सी मात्रा है आ की मात्रा, तो इसको कौन सी कहती है आ। क से आ की मात्रा का, ख से आ की मात्रा खा, ग से आ की मात्रा गा। ओके, तो ये कौन सी मात्रा होती है आ, इसलिए हमें बोलना है का खा गा। ओके, तो यहाँ पे हमने आ की मात्रा देख ली क से श्र तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक आपको ये जो का से श्र तक की जो हमने वर्ड्स आपको दिखाए और ये जो साथ में हमने स्पेलिंग के साथ दिखाए कि का से
के ए होता है, खा से के एच ए होता है, ये साथ में आपको लर्न करना है और नोटबुक में भी लिखना है। और हाँ, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस जो शब्द यहाँ पे हमने आपको लेटर लिखा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ लास्ट में वर्ड्स बनाएंगे। पहले तो आपको ये लर्न करना होगा, ये सब आपका लर्न हो जाएगा, फिर इनमें से हम वर्ड्स बनाने के लिए वर्ड्स बनाना सीखेंगे। ओके, तब तक आपको ये पहले लर्न करना है।